नमस्कार जय हिंद आज आम प्लस टू सेकेंड इयर अर्थनीति विषय को आज पढ़ा अर्थनीति बहर प्रथम विषय को आम पढ़ा जे अर्थनीति बहर प्रथम विषय हूँ जे अर्थनीतिर संज्ञा कौन अर्थनीतिर परिसर कौन एवं अर्थनीतिर अन्यान्य विषय वस्तु गुड़िक कौन किंतु यही क्लास आम जाना जे अर्थनीतिर संज्ञा कौन तेना चलत स्टार्ट करवा आजिकार क्लास देख पाने ये अर्थशास्त्र संज्ञा यही भागर बहुत समय परीक्षा क्वेश्चन आसे बहुत समय क्वेश्चन आसे एमती एक मारिकिया दुई मारिकिया तीन मारिकिया क्वेश्चन आसी थाए तेणु आम मानक यही क्लास को भल भाव बुझाक पड़ो यही वीडियो को शेष पर्यटन देखा पड़ो देख पाने तुम अर्थनीति बही में जो अर्थशास्त्र संज्ञा देनोटी अर्थशास्त्री कथ कतोटी अर्थशास्त्री कथ कहनोटी अर्थशास्त्री कथ कथम होती आडम स्मिथ और द्वितीय आल्फ्रेड मर्शल और तृतीय लियोलेन रॉबिन्स देख पाने जे प्रथम अर्थशास्त्री होचंदी आडम स्मिथ जी कि 1776 मसीह गोटे बही लिखी से बहर ना थिला राष्ट्रगणक संपदर प्रकृति और कारणर अनुसंधान बहर नाम कौन थिला राष्ट्रगणक संपदर प्रकृति और कारणर अनुसंधान केते मसीह लिखी 1776 मसीह लिखी से ही बही लिखला विश्व अर्थशास्त्र जनक बोली कहगला जी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनोमिक्स नाम परिचित हेले आडम स्मिथ 1776 मसीह जो बही लिखी राष्ट्रगणक संपदर प्रकृति और कारण अनुसंधान तापरे अर्थशास्त्र जनक बोली कहगला प्राय समय क्वेश्चन आसे जे अर्थशास्त्र जनक किए तेणु अर्थशास्त्र जनक होती आडम स्मिथ आउ दुईटी कथा मन रखा जे आडम स्मिथ जो संज्ञा देते से संज्ञार ना हूँ संपद संज्ञा से संज्ञा को संपद संज्ञा कहा जाए एवं जे आडम स्मिथ को संस्थापक अर्थशास्त्री कहा जाए तेणु आम जानले जे आडम स्मिथ 1776 मसीह बही लिखी से बहर ना हूँ राष्ट्रगणक संपदर प्रकृति और कारणर अनुसंधान से जो संज्ञा देते संपद संज्ञा कहा जाए संस्थापक अर्थशास्त्री कहुए आडम स्मिथ संपद को ही अर्थशास्त्र कहते तेणु आडम स्मिथ मतरे ताकू ही संपद कह जिनस को संपद कह द्रव्य को संपद कह जितेबले से द्रव्य पाखरे कि पदार्थ पाखरे तीनोटी सर्त थिबा दरकार केतोटी सर्त थिबा दरकार तीनोटी सर्त थिबा दरकार तेणु प्रथम सर्त होउची जे भौतिक पदार्थ गुड़िक ही संपद भौतिक पदार्थ गुड़िक ही संपद पदवाच्य करभौतिक पदार्थ को संपद कह जा तेणु भौतिक पदार्थ गुड़िक आम संपद पदवाच्य कर तेणु भौतिक पदार्थ कहले कौन बुझु पाने भौतिक पदार्थ ताकू कही था जार आकार थाए जार रूप थाए जार स्थिति थाए जार रंग थाए तेणु ताकू ही आम भौतिक पदार्थ कही था तुम्हें माने जो बही को धरीच ताकू आम भौतिक पदार्थ कही पार कौन पाई ना ताकू आम धरी पारे आम मैंने जहाँ भी आखिरे देखिपे आम भौतिक पदार्थ कही पार आम मैंने मोबाइल को देखी पारे तेणु मोबाइल गोटे भौतिक पदार्थ तेणु मोबाइल जेहेतु भौतिक पदार्थ तेणु मोबाइल को संपद कह जातु अभौतिक पदार्थ को संपद कह जाभतिक पदार्थ कहले पा आम आत्मा को बुझू मन को बुझू ना आत्मा को आम धरी पार ना मन को आम देखिपु तेणु एगुड़िक अभौतिक पदार्थ एगुड़िक आम संपद कहीपर ना द्वितीय चाहिदा तुलन में जोगाण कम होता दरकार ताकू आम संपद कहीपर तेनालीबले से पदार्थ को से द्रव्य को आम संपद कहीपर जे चाहिदा तुलन में जोगाण कम थी दरकार चाहिदा तुलन में जोगाण मान कौन देख पाने आम बजार रू कौन कि प्याज आलु बिलाती बैगण ड्रेस पत्र यही सब जिनस कि यगुड़िक हूँ चाहिदा तुलन में जोगाण कम थाए
एगुड़ी को आमे असंख्य भावे पाई पारु न थाउ तेणु एगुड़ी को आमे कौन कही परिबा संपद कही परिबा एवं जेगुड़ी को चाहिदा तुलना रे बहुत थाए ताकु आमे संपद कही परिबा नाही सूर्य किरण आमे ताकु संपद कही परिबा नाही ये चाहिदा तुलना रे जगाण बहुत सबुआडे सूर्य किरण देखिबा को मिले किंतु बिलाती बाईगण कोन सबुआडे देखा जाय कि ना रास्ता घाट रे पड़ी थाए तेणु एगुड़ी को आमे संपद कही परिबा जेगुड़ी को चाहिदा तुलना रे जगाण अत्यधिक थिबो ताकु आमे संपद कही परिबा नाही तृतीय रे मुक्त वायु सूर्य किरण मरुभूमि रो बाली को आमे संपद कही परिबा नाही कोन पाई ना एमानकर दुष्प्राप्यता न थाए एमानकर स्वल्पता न थाए देखो पिला माने सूर्य किरण रो कोन स्वल्पता अछि कि दुष्प्राप्यता अछि कि ये बहुत परिमाण रे देखा जाय थाए मरुभूमि रो बाली सेमति के असंख्य परिमाण रे थाए तेनो मरुभूमि रो बाली को आमे संपद कही परिबा नाही तेणु आडम स्मिथ को मतरे आमे सेतेबेले गोटिए द्रव्य को संपद कहि परिबा जतेबेले से भौतिक पदार्थ हेतिबा दरकार एवं चाहिदा तुलना रे जगाण कम थिबा दरकार एवं सूर्य किरण मरुभूमि रो बाली मुक्त वायु एमानु को आमे संपद कहि परिबा नाही द्वितीय अर्थशास्त्री होचंती आल्फ्रेड मार्शल जे कि 1890 मसिया रे गुटे पुस्तक लेखितले एवं से पुस्तक रो नाम थिला अर्थशास्त्रर तत्ववळी तेणु बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे केते मसिया से पुस्तक लेखिथिले 1890 मसिया रे पुस्तक लेखिथिले एवं से पुस्तक रो नाम होचे अर्थशास्त्र रो तत्ववळी एहा को हमको मन रखिबा को पड़िबो बहुत समय क्वेश्चन आसे जे आल्फ्रेड मार्शल जे ओ पुस्तक लेखिथिले से पुस्तक रो नाम कोन ना से पुस्तक रो नाम होचे अर्थशास्त्र रो तत्ववळी केते मसिया लेखिथिले पिला माने 1890 मसिया लेखिथिले एवं से जे संज्ञा देथिले से संज्ञा को आमे कल्याणकारी संज्ञा कहि परिबा से संज्ञा कोन कहि परिबा ना कल्याणकारी संज्ञा कहि परिबा ताहा परे पिला माने जे आबर अर्थशास्त्री होचंती लियोलेन रॉबिन्स के ना लियोलेन रॉबिन्स जे कि 1932 मसिया रे गुटे बही लेखिथिले जे कि 1932 मसिया रे गुटे बही लेखिथिले एवं तांकर पुस्तक रो नाम होची अर्थनीति विज्ञान रो प्रकृति व तात्पर्य संबंधी प्रबंध पिला माने से जे संज्ञा देतिले से संज्ञा को दुष्प्राप्यता संज्ञा कहा जाए किंबा स्वल्पता संज्ञा कहा जाए एहा को भल भाव रे मन रखिबा जे लियोलेन रॉबिन्स जे संज्ञा देतिले से संज्ञा को दुष्प्राप्यता संज्ञा कहा जाए किंबा स्वल्पता संज्ञा कहा जाए प्रायत परीक्षा रे एहा शॉर्ट क्वेश्चन किंबा मल्टीपल क्वेश्चन आसी थाए से अर्थशास्त्र रे चारोटी मुख्य उपादान देतिले से चारोटी मुख्य उपादान होची प्रथम होची असीम अभाव द्वितीय होची सीमित संबल एवं तृतीय होची विकल्प व्यवहार चतुर्थ रे गुरुत्वक्रम रे अभाव रो श्रेणी विभाग असीम अभाव रो माने कौन बुझिया पिला माने देखो पिला माने जे आमे दैनंदिन जीवन रे बहुत अभाव को फेस कर थाउ आम दैनंदिन जीवन रे गोटी अभाव पूर्ण हैला मात्रे अन्य एक अभाव देखा जाय थाए जेमिति गोटे पिला प्रथमे चली चली जाय थाए एवं आशा कर थाए मु साइकिल जानती कि जेतले साइकिल टी पाए जाय पुणी थरे आशा करे मु बाइक रे जानती कि एवं जेतले तार बाइक रो अभाव पूर्ण हे जाय थाए से आशा करे मु कार रे जानती कि ता माने कोन एही भोली भाव रे मनुष्य रो अभाव रो प्रकृति देखा जाय थाए ता माने कोन जे मनुष्य रो अभाव केवल सीमित नुहे से असीम ता माने कोन गोटिए अभाव पूर्ण हैला मात्रे अन्य एक अभाव देखा जाय थाए एहा को असीम अभाव कुहा जाय देखो पिला माने द्वितीय रो होची सीमित संबल आम दैनंदिन जीवन रे आम पाखरे असीम अभाव देखा जाय थाए किंतु आम पाखरे सीमित संबल थाए जेमिदिगा संबल कहिले आमे श्रम को बुझी परिबा संबल कहिले आमे समय को बुझी परिबा संबल कहिले आमे टंका को बुझी परिबा काहारी पाखरे अनलिमिटेड टंका न थाए किंबा अनलिमिटेड पैसा न थाए सीमित परिमाण रे थाए समय मध्य देखो पिला माने दिन को 24 घंटा केबे हेले दिन को 27 घंटा हे परिबो नाही तनो समय भी गोटे प्रकार संबल एवं ये मध्य गोटे प्रकार सीमित सेमितिका श्रम आमे दिन को किछि निर्दिष्ट समय पर्यंत कष्ट करि परिबा अनलिमिटेड बा असीम परिमाण रे कष्ट करि परिबा नाही जहा फल रे आमे थकि जिबा ता माने कोन जे सीमित संबल आम पाखरे अछि देखो पिला माने तृतीय होउछि संबल रो विकल्प व्यवहार तेनो आमे गोटिए संबल बदल रे अन्य संबल को व्यवहार करि परिबा पिला माने धरा जाउ आमे गोटिए जागा को जिबा साइकिल जिबा किंतु कोनोसी कारणवशत साइकिल टी खराब हे गला आमे साइकिल बदल रे कहारी बाइक रे मध्य जाई परिबा ता माने कोन साइकिल रो विकल्प किए बाइक
ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଛି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇ ପହରେ ଭାତ ଖାଉ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଭାତ ହେଇନାହିଁ ତା ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଭାତ ବଦଳର ରୁଟି ଖାଇପାରିବା ତା ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଭାତର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ରୁଟି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଦଳରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସମ୍ବଳର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଶେଷରେ ପିଲାମାନେ ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱକ୍ରମରେ ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱକ୍ରମରେ ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଏହା ହେଉଛି 4 ପଏଣ୍ଟ ଯିଏକି ଆମର ଲିଏଲନ୍ ରମିନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱକ୍ରମରେ ଅଭାବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କ'ଣ ଯେ ମୋ ପାଖରେ 3 ଅଭାବ ଅଛି ମୋର ଅଭାବ ଅଛି ଖାଇବାର ଅଭାବ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭାବ ସିନେମା ଦେଖିବାର ଅଭାବ ଅଛି ଏବଂ ମୋର ତୃତୀୟ ଅଭାବ ହେଉଛି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଖାତା ନାହିଁ ମୋତେ ଖାତା କିଣିବାର ଅଛି ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମୋତେ କୁହ ତ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଟା ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର ଖାଇବାର ଅଭାବ ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର ନା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାର ଅଭାବ ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର ନା ଖାତା କିଣିବାର ଅଭାବ ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବାର ଅଭାବ ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଖାତା କିଣିବାର ଅଭାବ ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାରେ ଅଭାବ ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର ସିଏ ଡାହାବାଳୁଙ୍ଗା ପଡ଼ୁ କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡା ବାଳୁଙ୍ଗା ପଡ଼ୁ ଯାହା ବି କିଛି ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ୁନା କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ ମୌଳିକ ଅଭାବ ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର ପ୍ରଥମେ ଖାଇବା ତାପରେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଖାତାର ଅଭାବ ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଶେଷରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାର ଅଭାବ ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର ତା ମାନେ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱକ୍ରମରେ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ ତୁମେ ଯାଇକି ଆଁ କରିକି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ବସିଯାଇଥିବ ନା ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିପାରୁଥିବ ନା ଭୋକ ମେଣ୍ଟି ହୋଇପାରୁଥିବ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଭୋକର ଅଭାବ ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଖାତାର ଅଭାବ ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଫିଲ୍ମ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ 5 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଦେଖିବା କେଉଁମାନେ କିପରି ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି କିପରି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଲେଖିବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମର୍ଶାଲ ଦେଇଥିବା ସଂଜ୍ଞାର ନାମ କ'ଣ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମର୍ଶାଲ ଦେଇଥିବା ସଂଜ୍ଞାର ନାମ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଆଡ଼ାମ ସ୍ମିଥ କେତେ ମସିହାରେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ଆଡ଼ାମ ସ୍ମିଥ କେତେ ମସିହାରେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଲିଓଲେନ୍ ରବିନ୍ସ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ ଲିଓଲେନ୍ ରବିନ୍ସ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆଡ଼ାମ ସ୍ମିଥକୁ କେଉଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ ଆଡ଼ାମ ସ୍ମିଥକୁ କେଉଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ସଂଜ୍ଞା କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ସଂଜ୍ଞା କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ଆଡ଼ାମ ସ୍ମିଥ ଯାହାକୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିଲେ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମର୍ଶାଲ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଥିଲେ ଲିଓଲେନ୍ ରବିନ୍ସ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ଧନ୍ୟବାଦ